तस्करी करने वाली एक महिला को धंतोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला माहुन निवासी जरीना खान बताई गई है। यातायात शाखा के अधिकारी और कर्मचारी की सतर्कता से गांजा तस्करी करने वाले एक महिला को धंतोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला माहुर निवासी जबीना खान बताई गई है। आपको बता दें कि यातायात विभाग के PSI और कांस्टेबल शाम अजनी चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान बेंगलुरु जाने वाली ऑरेंज ट्रेवल्स की बस वहां पहुंची। अन्य यात्रियों के साथ जबीना भी बस पर चढ़ गई, लेकिन पुलिस को पास खड़ा देख कर वह घबरा गई। इस दौरान शक के दायरे में आने पर दाल में कुछ तो काला है, ऐसा पुलिस अधिकारियों को लगते ही उन्होंने महिला से जांच शुरू कर दी। आमचे ट्रैफिक पुलिस वाले पेट्रोलिंग करत असताना ही ट्रैवल ची गाड़ी इथे का उभी आहे म्हणून खात्री करत असताना ते आले, तर या दोन गाड्या या दोन बॅग्स मध्ये एक महिला आणि तिचा सोबतचा मुलगा ट्रैफिक पोलिसांना बघून थोडंस संशयास्पद रीतीने त्यांची हालचाली होत्या, तर त्यांनी तात्काळ थांबवलं। पाहिलं तर तिथं एक NDPS सदृश वस्तु दिसली, त्यांनी तात्काळ PI धंतोली साहेबांना आणि कंट्रोल रूमला कॉल केला। आमचे सगळे पोलीस आले, आमचे NDPS सेलचे पोलीस पण आहेत, क्राईम ब्रँचचे पण आहेत। तर प्रायमा फेसी तो गांजा असावा असं वाटतंय। आम्ही दिस इज अ स्पेशल ॲक्ट, देर आर सम मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन्स अंडर विच काही गोष्टींची पूर्तता योग्य पद्धतीने करणं गरजेचं असतं, म्हणून आम्ही तात्काळ तहसीलदार साहेबांशी फोनवर बोललो, त्यांना विनंती केली, त्यांनी सांगितलं की आम्ही सक्षम अधिकाऱ्याला पाठवत आहोत, त्यांच्या समक्ष संपंचनामा आणि बाकी सर्व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। गुन्हा दाखल करून आमचे वरिष्ठ DCP जोडतो श्री मदने साहेब, आमच्या लॉ अँड ऑर्डर श्रीमती दुर्जे मॅडम, आमचे CP श्री अमितेश कुमार साहेब आणि बाकी सर्व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर कारवाई सुरू आहे। जबीना के बैग की तलाशी लेने पर 13 किलो गांजा बरामद किया गया है। धंतोली पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।